नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। रेशन कार्ड में आपके नाम है या नहीं, आप कैसे पता कर सकते हो? आपके घर के कितना सदस्य है, कितना सदस्य के कार्ड बना हुआ है या नहीं बना है, और रेशन कार्ड के नाम, रेशन कार्ड के नंबर आप डिटेल्स में पता कर सकते हो। इस वाले वीडियो को आप लोग पूरे देखते जाइए तो अभी जाके आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्या करना है, आपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है। आपको यहाँ पर टाइप करना है रेशन कार्ड लिस्ट वेस्ट बंगाल। आप दूसरा भी स्टेट चूज कर सकते हो, आपके पास जो भी है, जो भी स्टेट से आप वीडियो देख रहे हो उस स्टेट का नाम आपको क्या करना है, लास्ट में डाल देना है। मैंने अभी वेस्ट बंगाल का आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, बाकी दूसरा स्टेट का भी और एक करके मैं अभी दिखा दूंगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है, ऊपर वाले पे। अगर आपके पास ऐसे एरर आ जाता है आपको क्या करना है, एडवांस में क्लिक कर देना है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है एडवांस, एडवांस में क्लिक कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके जो पेज है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या करना है, ऊपर आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप साइड में क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखाई देता हूँ, रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको इस वाले पेज में क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्च बेनिफिशियरी डिटेल्स बाय नेम, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहां पे देख सकते हो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लॉग आपने चूज करना है, इस पर क्लिक करना है। आपके जो ब्लॉग है आपको वही चूज करना है। मैंने यहाँ पर अपने ब्लॉग चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, पंचायत, आपके जो पंचायत है आपको चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे पंचायत चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने नाम डाल देना है। इस वाले पेज में आपने नाम, पूरे नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, गलत नाम आपको नहीं डालना है। यहाँ पर नाम डालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कैप्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस कैप्चर को क्या करना है, इस पर डाल देना है, इस वाले बॉक्स पे। मैं कैप्चर डाल देता हूँ, कैप्चर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में क्लिक कर देना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपके डिटेल्स यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ऐसे ही करके आपको नाम के जरिए आपको क्या करना है, आपने पूरे डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो डीलर है, डीलर के नाम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डीलर के आई डी के साथ आपको ऐसे ही दिखाई देगा। उसके बाद मैंने अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर यूपी से आप देख रहे हो, यूपी का कैसे देखना है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, रेशन कार्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। रेशन कार्ड लिख के आपको क्या करना है, यहाँ पे यूपी करना है। अगर आप यूपी से देख रहे हो ऐसे यूपी डाल देना है। इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एफ सी एस उत्तर प्रदेश, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे आना है, रेशन कार्ड की पात्रता सूची, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज अभी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे लिस्ट आपके पास ऐसे ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपने जिला आपको चूज करना है। मैं यहाँ पे कोई भी जिला एक चूज कर लेता हूँ। अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। अगर आप विलेज वाले लिस्ट देखने चाहते हो आपको क्या करना है, नीचे वाले में क्लिक करना है। अगर आप शहर वाले लिस्ट देखने चाहते हो आपको क्या करना है, ऊपर वाले में क्लिक करना है। आपको जो भी लिस्ट चाहिए आपको क्या करना है, उसी के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ अकोला में। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके जो पंचायत है आपको क्या करना है, अपने पंचायत के नाम आपको चूज करना है। मैंने यहाँ पर अकोला में क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो उस पंचायत में जितना भी डीलर है आपको यहाँ पर ऐसे ही दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो तीन डीलर है, तीन डीलर के अंदर कितना कार्ड बना हुआ है, कितना सदस्य है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, पूरे लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पे इस नंबर के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाता है। आप यहां पे देख सकते हो पहले सीरीज नंबर आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको रेशन कार्ड नंबर आपको यहां पे दिखाई देगा, उसके बाद नाम, जिसका जो नाम है आपको यहां पर दिखाई देगा।
उसके जो हेड होता है पिताजी के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पर आपके माताजी के नाम दिखाई देगा, कुल यूनिट कितना है आपको यहाँ पर दिखाई देगा और डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे ही करके आपको देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जो नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे डिटेल्स, जो आपके जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाम लेके यहाँ पे महिला पुरुष जो भी है, और यहाँ पे पिताजी के नाम आपको ऐसे ही दिखाई देगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से देख रहे हो या उड़ीसा से देख रहे हो या बिहार से, यूपी से, चाहे दिल्ली से, किसी भी प्रदेश से देख रहे हो, आपको ऐसे करके चेक करना है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी। इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके भाई नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।